अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इस चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें अरब की सरजमीन के बारे में पढ़ा था कि वो कैसी सरजमीन थी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इन सेकंड पैराग्राफ अरबों की हालत, अरबों की जिंदगी और उनकी खसूसियात के बारे में बयान किया गया है। इस पैराग्राफ में हम अरबों की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। आइए पढ़ते हैं। The Arabs possessed, अरब मालिक थे। लास्ट पैराग्राफ में लफ्ज हमने अरेबिया, अरेबिया का मतलब है सरजमीन, वतन, मुल्क, और अरब्स, अरब्स का मतलब है अरब लोग, अरब पीपल। पोसेस्ड मालिक थे। The Arabs possessed, अरब मालिक थे। और remarkable, remarkable means हैरान कर, wonderful, remarkable memory, memory means यादाश्त, कुवते हाफ़ज़ा, यादाश्त और कुवते हाफ़ज़ा। अरब शानदार कुवते हाफ़ज़ा के मालिक थे। अरब हैरान कर कुवते हाफ़ज़ा के मालिक थे। एक word of थे। Eloquent, eloquent means फसीह बलीग, खुश बयान। Eloquent उस शख्स को कहते हैं जो fluently बोलता जाए और उसका अंदाज़े बयान ऐसा हो कि सुनने वालों पर उसका सहरदारी हो जाए। सुनने वाले खामोशी के साथ उसकी आवाज से मशहूर होकर उसे सुनते ही रहे, वो बोलता जाए। उसे कहते हैं eloquent, fluent people, लोग। अरब हैरान कुन कुवते हाफ़ज़ा के मालिक थे और वो फसीह बलीग लोग थे, खुश बयान लोग थे। देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत बलागत, उनकी खुश बयानी, एंड मेमोरी, और कुवते हाफ़ज़ा का फाउंड मिलता है एक्सप्रेशन इजहार मिलता है इन देयर पोएट्री, उनकी शायरी में। उनकी फसाहत और बलागत और कुव्वत हाफ़ज़ा का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। अब इस बात का क्या सबूत है कि उनकी कुव्वत हाफ़ज़ा और जो है फसाहत और बलागत का इजहार मिलता है, तो आगे एग्जाम्पल कोट की जा रही है। एग्जाम्पल क्या है? राइटर कहता है एवरी ईयर हर साल अ फेयर, एक मेला, एवरी ईयर हर साल अ फेयर, एक मेला वाज हेल्ड, मुनाकिद होता था। हर साल एक मेला मुनाकिद होता था फॉर पोएटिकल कंपटीशन, शायरी के मुकाबले का। पोएटिकल शायरी के कंपटीशन मुकाबला, हर साल शायरी का एक मुकाबला मुनाकिद होता था। एट उकास, उकास जगह का नाम है, मक्का के करीब एक जगह है उसे उकास कहते हैं, मकाम है उकास के मकाम पर। हर साल उकास के मकाम पर शायरी के मुकाबले का एक मेला मुनाकिद होता था। It is narrated that, ये बयान किया जाता है, ये कहा जाता है। अब उनकी यादाश्त और खुश बयानी जो है, उनकी एलोक्वेंसी जो है, उसका यहाँ पे प्रूफ पेश किया जा रहा है, एग्जाम्पल कोड की जा रही है। एग्जाम्पल क्या है? इट इज नरेटेड, नरेट का मतलब होता है बयान करना, वर्ब है ये, बयान करना, कहना। It is narrated that, ये कहा जाता है, बयान किया जाता है, हमार, said to Caliph Walid bin Yazid, हमार ये शायर का नाम है। अरब पोएट था, ये अरब शायर था, उसका नाम हमार था। उसने किससे कहा? खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। It is narrated that, हमार, said to Caliph Walid bin Yazid, ये बयान किया जाता है, ये कहा जाता है कि हमार ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। क्या कहा उसे? I can recite to you, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पढ़ सकता हूँ। यानी हमार ने फखरी अंदाज से खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ के सुना सकता हूँ। For each letter, हर हर्फ से, each letter, हर हर्फ से, आप अल्फाबेट हरूफे तहजी के, हरूफे अब्जद के, हरूफे तहजी के, लेटर्स होते हैं ए बी सी,
और उर्दू में अरबी में अलिफ बा ता सा ये लेटर्स कहलाते हैं, ये अल्फाबेट्स कहलाते हैं। ये तो अल्फाबेट्स जो है हर लेटर के हर हर्फ से शुरू होने वाली एक नज़्म, जैसे अलिफ से शुरू होने वाली एक नज़्म, बा से शुरू होने वाली, ता से शुरू होने वाली, या तक, जैसे इंग्लिश में ए से जी तक हर लेटर से स्टार्ट होने वाली एक पोएम जो है उसकी बात हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या कहा हमारे, इट इज नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट हरूफ तहजी के हर हर्फ से 100 लॉन्ग पॉइंट्स, 100 लंबी नज़में। अब देखिए 100 लंबी नज़में और हर नज़म जो है अलग अलग हर्फ से शुरू होने वाले। अब इतनी सारी बातें और इतनी बड़ी बड़ी नज़में, अब ये उनके कुद हाफ़ज़ा का इससे बड़ा सबूत तो और कोई नहीं हो सकता। यानी अरब इतने ज्यादा कुद हाफ़ज़ा के मालिक थे, वो इतना शानदार कुद हाफ़ज़ा रखते थे, जिस बात से जाहिर होता है 100 लॉन्ग पॉइंट्स 100 लंबी नज़में विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, गिनती में लाए बगैर, विदाउट के बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट शुमार में लाए, गिनती में लाए, काउंटिंग के बगैर, यानी अनगिनत शॉर्ट पीसेस, मुख्तसर अशआर, छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी जो छोटी नज़में वो अलग, वो 100 लंबी लंबी नज़मों की बातें कर रहा है हमार, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें जो छोटे मैं अशआर पढ़ूंगा, मुख्तसर जो मैं अशआर पढ़ूंगा वो इससे अलग होंगे, वो इससे सेपरेट होंगे। It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, for each letter of alphabet हरूफ़े तहजी के हर हर्फ से 100 long poems 100 लंबी नज़में without taking into account of short pieces मुख्तसर अशआर को गिनती में लाए बगैर, and all of that was sufficient, was composed लिखी गई थी, compose का मतलब है write, लिखना, लिखी गई थी exclusively particularly खास तौर पर, exclusively खास तौर पर particularly in particular by the poets शायरों ने, और वो सब की सब शायरों ने खास तौर पर लिखी थी before पहले the promulgation of Islam, इस्लाम की आमद से, और वो सब की सब शायरों ने इस्लाम की आमद से पहले लिखी थी। Promulgation means advent, advent मतलब आमद, यानी इस्लाम के आने से पहले जो शायर थे अरब शायर जो थे उन्होंने ये नज़में लिखी थी, तो वो हम उनको सुना रहा था, उनकी लिखी हुई नज़मों को वो पढ़ रहा था। अब देखिए शायर की लिखी हुई नज़में, वो भी 100 से ज्यादा लंबी लंबी नज़में, उसमें जो मुख्तसर अशआर है उनको भी वो गिनती में नहीं ला रहा, तो इससे उनके कुद हाफ़ज़ा का इज़हार मिलता है कि वो कितने ज्यादा ज़हीन और जलाश के मालिक लोग थे। It is no small wonder that, ये हैरानी की बात नहीं है, no small wonder means हैरानी की बात नहीं है, that Allah Almighty, Allah ताला ने choose, मुंतखिब किया, चुना, choose means second form है यहाँ पे, चुना, मुंतखिब किया, the Arabic language, अरबी ज़ुबान को, for his final, अपने आखरी, final means आखरी हक में, dispensation, इशारत के लिए, dispensation means preaching, इशारत, allow, इशारत के लिए, एंड प्रिजर्वेशन और तहफ्फुज़ के लिए, प्रिजर्वेशन मींस प्रोटेक्शन, सेफ्टी, हिफाजत, तहफ्फुज़, ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की, अपने पैगाम की, वर्ड मींस कलाम, जैसा कि कुरान पाक, इससे मुराद कुरान पाक है, कलाम, पैगाम। यह हैरानी की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम के तहफ्फुज़ और इशारत के लिए, तबलीग के लिए अरबी जुबान को मुंतखिब किया। ट्रांसलेशन बामावरा तक मां पैराग्राफ में जैसे लिखा हो देखने को, अरब हैरान कम कुवते हाफ़ज़ा के मालिक थे और वो फसीह और बलीग लोग थे, खुश बयान लोग थे, उनकी फसाहत और बलागत और कुवते हाफ़ज़ा का इजहार उनकी शायरी से मिलता है। हर साल उकास के मकाम पर शायरी के मुकाबला का एक मेला मुनाकिद होता था। ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा,
मैं आपको रूफ़े ताज़ी के हर हर्फ से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। मुख्तसर अशआर को गिनती में लाया गया है और वो सब इस्लाम की आमद से पहले शायरों ने खास तौर पर लिखे थे। ये हैरानी की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम की इशात और हिफाजत के लिए अरबी जुबान को मुंतखब किया। यानी जो कुछ वर्ड्स दिए हमें मुश्किल फास उनके मीनिंग साथ लिखे हुए, वो सेस का मतलब होता है मालिक के मालिक होना, रिमार्केबल हैरान कर वंडरफुल और मेमोरी बहुत हाफजा यादाश्त एलोक्वेंट फसीह बलीग एलोक्वेंस फसाद और बलागत एक्सप्रेशन इजहार पोएट्री शायरी फेयर मेला और कॉम्बिनेशन मुकाबला बयान करना कहा जाना और रिसाइट पढ़ना सुनाना अल्फाबेट हरूफ ताजी को कहते हैं। पोइम्स नज़में कंपोज्ड लिखना लिखी गई एक्सक्लूसिवली फास्टों पर प्रोमल्गेशन आमल और डिस्पेंसेशन इशारत तबलीग प्रिजर्वेशन तहफ्फुज़ हिफाजत योग आपका सेकंड पैराग्राफ इंशाल्लाह आप तैयार करेंगे इसको और आने वाले दिनों में इसका टेस्ट होगा अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।